पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल तंज कसते नजर आए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव से उन्होंने खुलेआम पूछा है कि भगवान की कसम खाकर तेजस्वी यादव बताएं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरीके की दुकानदारी चलाई जाती थी। तेजस्वी यादव और उसके बाद दिलीप जायसवाल का एक गुस्से वाला रूप मीडिया कर्मियों पर दिखाया। दिलीप जायसवाल ये पूछते हुए दिखाई दिए हैं, बस बयान लेते हैं। तेजस्वी यादव से बोलिए, भगवान की कसम खाकर ये बोले कि कितना ट्रांसफर पोस्टिंग में इनकी दुकानदारी चलती थी। दूसरी ओर कांग्रेस पर दिलीप जायसवाल का बड़ा तंज कसा है। दिलीप जायसवाल ये कहे हैं कि पहले तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति जब खत्म हो जाती है तो सेना पर उंगली उठाने लगते हैं, जो भी हमारे भारत के जवान हैं, युवा हैं, उन पर, जो ये सैनिक हैं बिहार के, भारत के, उस पर जो है ये उंगली उठाने लगते हैं। तो कांग्रेस को अब तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है। और अब ईडी पर सवाल उठाते रहते हैं, संविधान एजेंसियों पर सवाल उठाते रहते हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई हक ही नहीं है और अपना कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। देखिए, दिलीप जायसवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से एक्शन नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, खुद चल के सुनिए। देखिए, है क्या, कांग्रेस के पास अब इस देश में कोई मुद्दा नहीं रह गया। या तो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, या अगर उससे समय बचता है तो भारत सरकार के एजेंसियों पर उंगली उठाने का काम करती है। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने सेना पर उंगली नहीं उठाया क्या, जब पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी कांग्रेस ने आवाज उठाया कि सेना गलत बोल रही है। तो जो कांग्रेस इस देश के सेना तक पर उंगली उठाती हो, उस कांग्रेस का नैतिक पतन कितना हो गया है आप सोच सकते हैं। और अब कोई मुद्दा नहीं है तो ईडी के ऑफिस पर जाकर के कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ लोगों को बचाने की आवश्यकता है, तो कुछ उनको आभास तो मिल गया है। आगे देखिए होता है क्या। एक बात बताए, एक बात, खाली आकर के बयान मत लिया कीजिए। तेजस्वी जी भगवान का कसम खा के बोले कि ट्रांसफर पोस्टिंग में वो कौन सा दुकानदारी चलाते, खा लें भगवान का कसम। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी एक बार भगवान का कसम खा लें कि ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह की दुकानदारी उनके समय में चलती थी। अगर भगवान है तो उनको इस बात को सोचना चाहिए, इस तरह की बात करने का। धन्यवाद। ये अभिषेक बनर्जी ममता, अब छोड़िए ना, सबको मिक्स कर दीजिएगा। तो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।